फ्रेंड्स, हमारे चैनल डेली हिल टिप्स पे आपका स्वागत है। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकॉन को क्लिक कर दें ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिल सकें। दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी साबुन और डिटर्जेंट से हाथों में होने वाली एलर्जी के लक्षण और इससे बचने के उपाय। दोस्तों, रोज़ाना कपड़े धोकर अगर आपके हाथों पर लाल चकत्ते या फिर खुजली होने लगी है तो इसका सीधा सा मतलब है कि आपको डिटर्जेंट एलर्जी हो गई है। जी हाँ, क्योंकि डिटर्जेंट और साबुन कई प्रकार के केमिकल से बने हुए होते हैं। इससे त्वचा में जलन और खुजली महसूस होने लगती हैं। साबुन या फिर डिटर्जेंट से होने वाली एलर्जी बेहद ही आम होती हैं और दोस्तों, ये दुनिया भर के लोगों में किसी न किसी को होती ही रहती हैं। कभी कभी तो ये एलर्जी इतनी ख़तरनाक हो जाती हैं कि हाथों से खून भी निकलने लगता है। अगर एक बार एलर्जी होनी शुरू हो जाए तो ये बार बार भी होती रहती हैं। अगर आप कपड़े धोना बंद कर देते हैं या फिर साबुन का प्रयोग करते समय दस्ताने यानी कि ग्लव्स का प्रयोग करना शुरू कर देते हैं तो ये कुछ दिनों में ठीक हो जाती हैं, लेकिन जब फिर से साबुन का प्रयोग करना शुरू करते हैं तो ये परेशानी फिर से शुरू हो जाती हैं। हाथों में ये समस्या साबुन में पाए जाने वाले हानिकारक केमिकल की वजह से होती हैं। इसके अलावा दोस्तों, कई बार वॉशिंग मशीन में धुले कपड़ों से अगर डिटर्जेंट ठीक से ना निकलता हो तो कपड़े पहनने के बाद इससे त्वचा में खिंचाव, खुजली, जलन आदि समस्याएं हो सकती हैं। डिटर्जेंट से अगर आपको एलर्जी है तो ऐसे में अब आप कपड़े धोना तो बंद नहीं कर सकती हैं। इसीलिए दोस्तों, इससे बचाव के उपायों के बारे में जान लीजिए। तो चलिए जानते हैं सही प्रकार के बचाव के उपाय जिनसे डिटर्जेंट के वजह से पैदा हुए रैशेस, त्वचा पर होने वाली किसी भी अन्य प्रकार का संक्रमण, साथ ही इससे होने वाला चिड़चिड़ापन भी गायब हो जाता है। दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे साबुन या फिर डिटर्जेंट से होने वाली एलर्जी के लक्षण क्या होते हैं। दोस्तों, डिटर्जेंट में इस्तेमाल किए जाने वाले एक केमिकल ट्राइक्लोजन लीवर कैंसर को बढ़ावा देता है। दोस्तों, डिटर्जेंट से होने वाले लक्षणों में सबसे पहले शरीर पर चकत्ते पड़ते हैं। इसमें हथेलियों में त्वचा का छिलना, उनमें पहले तेज़ खुजली और फिर तेज़ जलन होना जैसे लक्षण नज़र आते हैं। छाले और सूजन दूसरे लक्षणों में छींक, कफ या फिर आँखों में पानी आना होता है। इसके अलावा त्वचा में कसाव या फिर खुजली भी देखने को मिलती है। इसके साथ ही कुछ लोगों को सांस और अस्थमा के लक्षण जैसे कि हांफना या फिर घबराहट की शिकायत भी हो सकती हैं। दोस्तों, आपको ज़्यादा केमिकल वाले डिटर्जेंट का प्रयोग ना करके नेचुरल प्रोडक्ट का उपयोग करना चाहिए, जिससे धीरे धीरे एलर्जी की समस्या समाप्त हो जाए। चलिए जानते हैं कैसे आप इस एलर्जी को ख़त्म कर सकते हैं। अगर आपको साबुन और डिटर्जेंट या फिर किसी भी केमिकल वाली चीज़ से एलर्जी है तो इसके लिए सबसे पहला उपाय ये है कि आप केमिकल वाले साबुन, डिटर्जेंट और किसी भी केमिकल को अपने हाथों से दूर रखें। एलर्जी के चकत्तों को कम करने के लिए बर्फ़ से सिकाई करें, इससे काफ़ी आराम मिलता है। दोस्तों, कई बार वॉशिंग मशीन में कपड़े धोने से उन पर डिटर्जेंट कई बार ऐसे ही रह जाता है, इसीलिए कपड़ों को एक बार डिटर्जेंट से धोने के बाद उसे बार बार साफ पानी से धोएं, जिससे कि कपड़ों से डिटर्जेंट का नामो निशान मिट जाएं। कपड़े धोने के लिए कम से कम डिटर्जेंट का प्रयोग करें। कपड़ों को आखिर में सिरके या फिर वॉशिंग सोडे से एक बार ज़रूर धो लें। खुशबूदार वाले डिटर्जेंट से बचना चाहिए। कपड़ों को जितना हो सके उतनी बार साफ पानी से धोएं, नहीं तो दोस्तों, इससे आपको एलर्जी होने के काफ़ी चांसेस होते हैं, इसीलिए आप इन बातों का ध्यान ज़रूर रखें। कपड़े या फिर बर्तन धोते समय या फिर कोई और काम करते टाइम साबुन का इस्तेमाल करते समय हमेशा दस्ताने पहनें। इस तरह से इसका प्रयोग करके भी एलर्जी से बचा जा सकता है। दोस्तों, अपने हाथों को सूखा ना रहने दें और हमेशा अपने हाथों को हाइड्रेटेड रखें, यानी कि उस पर हमेशा मॉइस्चराइज़र का यूज़ करें। दोस्तों, एलर्जी होने पर हाथों को धोने में गर्म पानी का नहीं बल्कि ठंडे पानी का ही प्रयोग करें और ऐसे डिटर्जेंट का प्रयोग करें जिससे कि एलर्जी ना हो। साथ ही सेंट या फिर खुशबू वाले डिटर्जेंट से बचना चाहिए। खट्टी चीज़ें, मिर्च मसालों से परहेज़ रखें। रोज़ सुबह नींबू का पानी पिएं। साथ ही ताज़े फल, सब्जियों का अधिक सेवन करें। एलर्जी होने पर त्वचा को केवल पानी से ही धोएं। विटामिन बी सी से युक्त भोजन लें। दोस्तों, मीठे सोडे को ठंडा पानी के साथ पेस्ट बनाकर थोड़ी देर के लिए प्रभावित जगह पर प्रयोग करें। दोस्तों, रात को सोने से पहले हाथों की ठंडे पानी से सिकाई करके
डॉक्टर द्वारा बताई गई क्रीम का प्रयोग सोने से पहले करना ना भूलें। इसके अलावा डॉक्टर की सलाह से एंटी एलर्जिक दवाएं भी ले सकते हैं। अब जिस हाथ पर एलर्जी हो वहां पर सरसों का तेल लगा लें। दोस्तों, चंदन और नींबू का लेप अपने हाथों पर लगाएं, इससे एलर्जी में आपको काफ़ी राहत मिलती है। दही में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर प्रभावित जगह पर लगा लें, इससे एलर्जी में आपको राहत मिलेगी। दोस्तों, विटामिन ई युक्त तेल यानी कि ऑयल्स जैसे कि जैतून या फिर बादाम के तेल से अपनी त्वचा की मसाज करें, इससे आपके त्वचा को नमी मिलती है और साथ ही ये एलर्जी में आपको काफ़ी राहत देता है। इसके अलावा आंवले की गुठली जलाकर राख कर लें, उसमें एक चुटकी फिटकरी और नारियल का तेल मिलाकर पेस्ट बना लें। अब इस पेस्ट का उपयोग एलर्जी वाले जगह पर लगाएं, इससे आपको काफ़ी राहत मिलेगी। दोस्तों, ज़्यादा मीठा तला भुना आहार ना लें। इसके अलावा खट्टी चीज़ें, मिर्च मसाले से परहेज रखें। रोज़ सुबह नींबू और शहद के पानी का सेवन करें। खाली पेट एक चम्मच शहद का सेवन भी फ़ायदेमंद होता है। दोस्तों, इसके अलावा साबुन, फेस वॉश या फिर किसी भी केमिकल वाले प्रोडक्ट का इस्तेमाल ना करें। दोस्तों, अगर आपको 1 से 2 हफ्तों में एलर्जी कम नहीं होती है तो आप डॉक्टर के पास जाने से ना घबराएं। तुरंत डॉक्टर के पास जाएं और इसका इलाज करवाएं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, साथ ही इस वीडियो को सोशल मीडिया पर भी शेयर करें। आपको और भी हेल्थ रिलेटेड और हेल्दी रिलेशनशिप टिप्स चाहिए तो आप हमारे वेबसाइट mydailyhealthtips.in पर विजिट करिए। वेबसाइट की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी जा रही है। फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसी तरह के और भी अच्छे अच्छे बेनिफिशियल वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आती रहूँगी। तब तक के लिए टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू, बाय।